हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फोर क्लास 9th हिंदी विषय की वर्कशीट है, जो आपके लिए 25 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में हम रीढ़ की हड्डी एकांकी ये जो है अध्याय करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। जो रीढ़ की हड्डी है ये क्या है, एक एकांकी है, यानी नाटक का एक भाग है। और इसमें इस एकांकी के माध्यम से जो लेखक हैं, लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, उन्होंने स्त्रियों के प्रति जो रूढ़िवादी मानसिकता है लोगों की, उसकी शिक्षा को लेकर, ठीक है, तो किस तरह उसके ऊपर व्यंग्य किया है वो आप इसमें देखोगे। व्यंग्य किया है स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास और साहस को यहाँ पर दिखाया गया है। एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या उसका एक छोटा सा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का ही एक रूप है। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर उसमें संबंधित उत्तर दीजिए। तो देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। तो इस तरह की जो है यहाँ पर वार्तालाप दिखाई हुई है कि वो जो तख्त है उसको अंदर लेकर आ रहे हैं। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ कल बट रही थी तो तू थोड़ी देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीने किस लिए बहाया है? तो ऐसा जो है यहाँ पर बोला गया है। नौकर कहता है, तख्त, नौकर जो है वो तख्त बिछाता है और ही यानी हंसता है। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह, यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ। हाँ बस, और सुन, बहूजी से जरा दरी मांगला, उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही, ऐसा जो है बोलता है। नौकर जाता है, बाबू साहब इसी बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन आती है, प्रेमा, मालकिन का नाम क्या है, प्रेमा, कदुमी रंग, छोटा कद और चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है, और उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं, ठीक है, तो वो जो है उनके पीछे पीछे आ रहा है और प्रेमा जो है वो आ रही है। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त धोती की जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? तो प्रेमा जो है, यानी जो नौकर है वो प्रेमा से क्या मांगा, उसने धोती मांगा, जबकि उसने क्या मांगा, उसने उसको लाने के लिए दरी बोला था, तो एक कन्फ्यूजन हो गई है। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर गए आए हो, फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप कहता है, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन, रतन जो है कौन है, नौकर का नाम है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन जो है वो अगली वर्कशीट में देखेंगे क्या कन्फ्यूजन है। प्रश्न दिए गए हैं, प्रस्तुत गद्य हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है, तो कौन सी में लिखा गया है, एकांकी, आप लिख देंगे आंसर एकांकी। इस कहानी के लेखक कौन है, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा कहानी के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, यहाँ से लिख देंगे जगदीश चंद्र माथुर, क्वेश्चन दो का आंसर। प्रश्न तीन है, इस एकांकी, यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है, तो यह एकांकी जो है एक व्यंग्य है, ठीक है, जो किया गया है रूढ़िवादी मानसिकता पर। सो यहाँ से लिखेंगे, प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग्य है जो समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता और स्त्रियों की शिक्षा पर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखें। तो एकांकी में जिन जिन पात्रों का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, किन किन व्यक्तियों के नाम है, उन सबको आपको बताना है। सो यहाँ से लिखेंगे, उमा लड़की, रामस्वरूप लड़की का पिता, प्रेमा लड़की की माँ है, रतन नौकर है, शंकर जो है लड़का है, और गोपाल प्रसाद कौन है, वो लड़के के पिता हैं। तो यहाँ से आप पात्रों के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। इसका दो वाक्य प्रयोग कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी नहीं होना यानी स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात का खुद पर निर्णय नहीं ले पाना।
इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। आज देखिए पहला वाक्य है, श्याम इतना बड़ा हो गया है लेकिन उसकी हरकतें देखकर लगता है कि जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, यानी वो खुद से डिसीजन ही नहीं ले पाता। सेकंड वाक्य है, आज मोहन ने अपने व्यवहार से फिर से साबित कर दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अपने आसपास किसी देखे गए नाटक या नुक्कड़ नाटक के बारे में आपको लिखना है। तो बेटा नुक्कड़ नाटक या नाटक जो है आपने स्कूल में भी आप लोग करते हो, देखते हो, और अपने आसपास भी नुक्कड़ नाटक देखते हो, तो बस उसी विषय में लिखना है। इसमें आपका टॉपिक जो है यानी थीम आपकी कोई भी हो सकती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये हो सकती है, कोरोना जो COVID-19 है वो हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी थीम है जो आप ले सकते हो। तो एज एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सो कुछ इस तरह से लिखेंगे, लॉकडाउन के समय हमारी कॉलोनी में एक नाटक किया गया जिसके विषय जिसमें इस विषय पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि किस तरह मास्क लगाकर सामाजिक दूरी बनाकर अपने आप को कोरोना बीमारी से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। सो ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट फॉर क्लास 9th। होप आपको क्लियर है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।